हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इस में हम एक्सरसाइज 7.2 पे जो हमारे बाकी बचे क्वेश्चन हैं, इससे पहले हम 7.2 का पार्ट 1 बना चुके हैं जिस पे हमने 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और इस एक्सरसाइज में हम बाकी बचे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब तक हमने डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला, इन तीनों के बेस पर क्वेश्चन करें हैं। इसमें भी सेम ही है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप अपनी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आप देख सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं क्वेश्चन दिए हुए हैं ये, तो हम एक एक करके सबको सोल्व करेंगे। तो आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो वो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए पैरेललोग्राम होता क्या है, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल अनइक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम बनाएंगे हम। तो यहाँ पर इसके हमने साइड्स बना दिए हैं और ये हमने डायगोनल्स भी बना दिए हैं। अब यहाँ पर पॉइंट अलॉट करते हैं। ए क्या हमारे पास 1, 2, बी हमारे पास 4y, सी हमारे पास x6, डी हमारे पास 3, 5। मान लेते हैं पी इसका यहाँ पर डायगनल्स का मिड पॉइंट है। तो हम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हमें जैसे पता लग ही रहा होगा, जो मिड पॉइंट है वो बी डी का भी मिड पॉइंट, जो पी है वो बी डी का भी मिड पॉइंट है और इसी का मिड पॉइंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ये लिख सकते हैं। तो हम दोनों को सोल्व करते हैं, मैं कॉमा लगा के सोल्व करूंगा। पहले एक्स वाला मिड पॉइंट क्या होगा, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कॉमा लगा के वाई वाला लिखूंगा, 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ऐसी बी डी के लिए 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसलिए ऐसे लिखे डिवाइड बाई 2, 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये इसका इक्वल कर देंगे और ये इसका इक्वल कर देंगे। ठीक है, ठीक है, अब करते हैं इसे, हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। क्या बना, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 3, 7 बाई 2। ये 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बचा, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 7, एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमारे पास आता है x 6। ठीक है, ऐसे अभी ये वाला करते हैं, क्या आया, 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। 6 प्लस 2 8 बाई 2 इज इक्वल टू 5 प्लस y बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, 5 प्लस y इज इक्वल टू 8। y क्या आ गया, 8 माइनस 5, y आ जाता है हमारे पास यहाँ से 3। तो हमने x और y के कोऑर्डिनेट्स यहाँ निकाल दिए हैं, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हू सेंटर इज 2 माइनस 3 एंड बी इज 1, 4। तो सबसे पहले हम सर्कल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सर्कल बना लिया। अब हम क्या करेंगे, ये मान लेते हैं डायमीटर है इसका। ठीक है, डायमीटर है, ये इसका सेंटर है, इसको सी मान लेते हैं, ये ए ये बी। तो हमें क्या दिया हुआ है, ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, उसको मान लेते हैं एक्स वाई। सी के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, वो है 2 माइनस 3, बी हमें दिया हुआ है 1 और 4। तो हमने ए निकालना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो सी है वो मिड पॉइंट है ए बी का। ठीक है, हमें लिख देते हैं, लेट
कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज एक्स वाई, ए के कोऑर्डिनेट बता दिए, एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यही पता हमें, तो यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास। वो क्या था हमारे पास, अगर हम सी के लिए निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, टू इज इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, टोटल जो फोर, फोर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो एक्स क्या रहता है फोर माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू थ्री, यह आ गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। देता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, ये है कोऑर्डिनेट सी, ये हमारे पास ए के लिए है, ये बी का है एक्स, ठीक है। ऐसे ही हम ये वाई के लिए करते हैं, माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, थ्री टू सिक्स माइनस सिक्स वाई प्लस फोर, वाई क्या आएगा माइनस सिक्स माइनस फोर, वाई आता है हमारे पास माइनस टेन, ठीक है। यहाँ से एक्स और वाई हमारे पास निकाल लेते हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हुआ हमारे पास, थ्री और माइनस टेन, यह आते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर माइनस टू एंड माइनस टू एंड टू माइनस फोर रिस्पेक्टिवली, ए और बी की कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू थ्री बाई सेवन ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइन बना लेते हैं, हमने लाइन बना ली है, ये ए मान लेते हैं, ये हम बी मान लेते हैं, ये मान लेते हैं पी। वैसे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर ए पी है वो थ्री बाय सेवन ऑफ ए बी है, ठीक है, तो ये थ्री बाय सेवन है, ये थ्री बाय सेवन है, तो ये क्या बचा, ये भी फोर बाय सेवन ही होगा, वैसे देखने में तो ये ऐसे ही होएगा ना, अगर आप ध्यान से देखिए पूरी सेवन लाइन है, अगर थ्री बाय सेवन है तो बाकी बचा फोर बाय सेवन होगा, ठीक है। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, अब इसको सोल्व करेंगे, इसको थ्री बाय फोर, थ्री रेशो फोर भी लिख सकते हैं। अब इसको बताता हूँ पूरा सोल्व करके कैसे करेंगे, पहले हम ए बी के यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, माइनस टू माइनस टू, ये है टू माइनस फोर, पी ले लेते हैं हम एक्स और वाई, ठीक है, ये हो गया। अब हमें जैसे कि दिया हुआ है ए पी क्या हमारे पास थ्री बाय सेवन ए बी, तो यहाँ से बी पी क्या हुआ हमारे पास, ए बी माइनस ए पी, वो आ जाएगा हमारे पास, बी पी आ गया हमारे पास ए बी माइनस ए पी, ए पी की वैल्यू हमें पता है थ्री बाई सेवन ए बी, ये गिवन है हमें, ए बी माइनस थ्री बाय सेवन ए बी, और इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम ए बी, वन माइनस थ्री बाय सेवन, तो क्या बचा ए बी, एलसीएम लेंगे क्या आएगा सेवन माइनस थ्री बाय सेवन, फोर बाय सेवन ए बी, ये बी पी था, तो हमारे पास क्या आ गया बी पी फोर बाय सेवन ए बी, जैसे कि मैंने आपको सीधा समझा भी दिया था कि अगर ये बाय थ्री बाय सेवन है तो बाकी बचा फोर बाय सेवन भी होगा, और आपने ऐसे भी निकाल के देख लिया है, तो बी पी क्या आ गया हमारे पास, बी पी फोर बाय सेवन, ऐसे भी हमने अभी सॉल्व किया वैसे ही फोर बाय सेवन है, ठीक है। तो हम रेशो भी ले सकते हैं, इसका रेशो क्या बनेगा, ए पी डिवाइडेड बाय बी पी, ए पी क्या था हमारे पास थ्री बाय सेवन ए बी, और बी पी क्या था हमारे पास फोर बाय सेवन ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल, तो क्या आ गया हमारा सेवन से सेवन कैंसिल थ्री बाय सेवन, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए पी रेशियो बी पी इज इक्वल टू थ्री रेशियो सेवन, ऐसे सॉरी थ्री रेशियो फोर, यहाँ फोर आएगा सेवन ये सॉरी थ्री रेशियो फोर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये रेशियो हमने यहाँ भी डायरेक्ट बता दी थी, ठीक है।
हमने क्या करना है, पी के पॉइंट निकालने हैं। हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था उसके हिसाब से निकालेंगे। बिल्कुल, तो क्या था, एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। ये क्या है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास एम, ये हो गया एन, ये हो गया एक्स वन, ये हो गया एक्स टू, सॉरी वाई वन, ये हो गया एक्स टू, ये हो गया वाई टू। ठीक है, तो वैसे फॉर्मूला लिख लेगा। एक्स हमें पता नहीं है, ठीक आएगा। एम हमें पता है 3, हमें ये भी पता है ए के कोऑर्डिनेट क्या थे। एक्स टू क्या हमारे पास 2 प्लस 4 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4, 3 6, 4 2 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 7। ये क्या आ गया हमारे पास -2/7। ठीक है, ऐसे ही वाई वाई निकालेंगे, एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। एम हमें पता है 3, वाई टू हमें पता है क्या है, -4 प्लस 4, वाई वन है -2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4, 4 3 12, -4 2 8 डिवाइडेड बाई 7, ये आता है -20/7। ठीक है, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट आ गए, तो हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट क्या हुए, लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर -2/7 एंड -20/7। तो यहाँ से क्वेश्चन भी फिनिश, यही आंसर है इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए -2 1 2 एंड बी 2 8 × 4 इक्वल। हमने टू इक्वल पार्ट्स भी कर चुके हैं, ट्राई सेक्शन भी कर चुके हैं, अब ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, हमारे तो लाइन ले लेते हैं, ये ए, ये ले लेते हैं हम बी, ये लेते हैं हम डी ई एफ। ठीक है, सिंपल। अभी कैसे लिया, जो ई है वो मिड पॉइंट किसका, ए बी का, जो डी है वो मिड पॉइंट किसका, ए ई का, जो एफ है वो मिड पॉइंट किसका, ई बी का। ठीक है, तो ए के हमारे पास पॉइंट्स क्या है, -2 और 2, बी के हमारे पास पॉइंट्स क्या है, 2 और 8। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ। अब इससे क्या पता लगता है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो पहले हम ए बी के निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स, वो सॉरी ई के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो कैसे निकलेंगे, हम डायरेक्ट निकाल देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, एक साथ निकाल देंगे, -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये एक्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए ई के लिए, ऐसी वाई हो गया 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, 2 प्लस 8 10/2, ये हो गया 5। तो ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 और 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0,5। अब डी है वो किसके मिड पॉइंट है, ए और ई का, तो वो भी निकाल देते हैं अभी हम। तो वो कैसे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी एक साथ निकालते हैं, -2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, ये डी के एक्स के लिए, ऐसे ही 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या बना -1, ये क्या बना 5 प्लस 2 7 डिवाइडेड बाई 2, ये डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। लिख देते हैं हम यहाँ -1,7/2। ठीक है, ये हो गया। अब एफ के निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ, वो क्या होगा, अब एफ किसका मिड पॉइंट है, ई और बी का, तो लिख देते हैं यहाँ भी, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ई बी, तो एफ के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8।
फाइव प्लस है डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, हाफ ऑफ, ये आ जाएगा माइनस वन, ठीक है, और ये आ जाएगा फाइव प्लस एट थर्टीन डिवाइडेड बाई टू, ये एफ के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो हमने यहाँ पर तीनों के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं, ये आपका आंसर था, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, क्या है हमारे पास, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए, ये आप लिख देंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी कि कौन सा किसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर एफ के निकाले तो वो भी लिख देता हूँ, वन कॉमा थर्टीन बाई टू, ठीक है, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3045 माइनस 14 एंड माइनस 2 माइनस 1 टेकन इन ऑर्डर। हिंट भी दिया हुआ, एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होता है, 1 बाय 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले हम रोम्बस बनाते हैं, तो यहाँ से हमने रोम्बस बना लिया, और जो डायगनल है ये 90 डिग्री के एंगल है एक दूसरे के, तो यहाँ से ए बी सी डी को हम अलॉट कर देते हैं। तो ए के हमारे पास 3 0, बी के हमारे पास 4 5, सी हमारे पास -1 4, डी हमारे पास -2 -1, ठीक है। हमने क्या करना है, प्रोडक्ट्स ऑफ डायगनल निकालना है, मतलब कि बी डी निकालना है और ए सी निकालना है। इन दोनों का हमने डिस्टेंस निकाल के हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा हमें एरिया ऑफ रोम्बस, वो चीज़ निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़, ठीक है। तो क्या निकालते हैं, पहले ए सी, तो वो क्या होता हमारे पास, -1 -3 का स्क्वेयर प्लस 4 -0 का स्क्वेयर, इनका होल रूट। तो क्या बना, -4 का स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर, 16 प्लस 16 32। तो 32 क्या लिख सकते हैं, 4 into 8, 4 का रूट 2 होता है, तो क्या बना 2, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 into 2, तो ये 4 का रूट क्या होता है 2, ये 2 into 2 root 2, क्या बना 4 root 2, ये आ गया हमारे पास AC का डिस्टेंस। ऐसे निकालते हैं हम बी डी, तो बी डी क्या होगा हमारे पास, -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर, ठीक है, -6 का स्क्वायर माइन प्लस -6 का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं, क्या आ गया हमारे पास, 36 प्लस 36 6 6 12 72। तो ये क्या बना, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 6 root 2, ठीक है, ये आ गया हमारा बी डी। तो ये जैसे कि आप इसको पेयर्स में तोड़ के, आप ये आपके पास ये आ जाएगा 6 root 2, ये लिख सकते हैं आप। अब हमारे पास क्या है, एरिया, जैसे कि हमें दिया हुआ था हिंट में, 1/2 इंटू प्रोडक्ट्स ऑफ डायगनल, ठीक है, 1/2 डायगनल अभी हमने निकाले हैं, क्या था हमारे पास, ए सी एंड बी डी। तो हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 4 root 2 इंटू 6 root 2, root 2 root 2, 4 6 24 into 2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आता है 24 स्क्वेयर यूनिट्स। और स्क्वेयर यूनिट्स क्यों लिखा है, क्योंकि एरिया था इसलिए स्क्वेयर यूनिट्स, ये हमारे पास आंसर है। तो ऐसे हमारी ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।